लो गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद से बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे, क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ा बहुत फंक्शन है, तो शायद से आपको म्यूजिक सुनाई दे सकती है बैकग्राउंड में। फिर भी मैं एडिट में कोशिश करूंगा कि हद तक की बैकग्राउंड म्यूजिक कम कर सकूँ, उतने हद तक मैं बैकग्राउंड को कट कर दूँ। फिर भी अगर शायद से बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई दे थोड़ा बहुत, तो आज के लिए एडजस्ट कर लो। कल से जो है ऐसा नहीं होगा, कल से फिर से जैसा वीडियो आपको मिलते जा रहे हैं वैसे वीडियो मिलते जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है, आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, आज का टॉपिक है फ्री में कैसे हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो हो सकता है आपका एक छोटा कंपनी है और वेबसाइट जो सर्विस होता है वो पेड सर्विस होता है, मतलब वेबसाइट के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं हर एक मंथ में। तो आप शायद से सोच रहे हो कि कैसे फ्री में वेबसाइट बनाया जाए, क्या ये हो सकता है? हाँ गाइस, ये हो सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो, कोई भी वेबसाइट आप फ्री में बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं हमें कैसे बनाना है, ज्यादा टाइम ना गवाते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये है वो वेबसाइट wix.com, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वेबसाइट से आप फ्री में जो है अपना वेबसाइट बना सकते हो अपने नाम का, और कैसे भी अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो कोई भी पैसा नहीं पे करके एकदम फ्री में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें कैसे करना है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से अपना ईमेल जो है वो दे दीजिए, जहां जो ईमेल आप यूज करते हैं। तो मैं कुछ दे देता हूँ। उसके बाद रीटाइप करना पड़ेगा आपका ईमेल। उसके बाद पासवर्ड दे दीजिए। उसके बाद साइन अप कर लीजिए। तो उसके बाद आप चूज करिए आप कैसा वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टोर का मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट, या अगर फोटोग्राफी का हो या बिजनेस का हो, डिजाइनर, ब्लॉग, कोई भी बना सकते हो। तो मैं जो है म्यूजिक का ले लेता हूँ। तो उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा आप किससे एडिट करना चाहते हो अपना वेबसाइट, मतलब नाम हो या लोगो हो, कोई भी कुछ भी लगाना चाहते हो तो किससे लगा सकते हो। तो मैं लगाऊंगा विक्स एडिटर से, क्योंकि ये इजी होता है। विक्स एआईडी भी बहुत इजी होता है, लेकिन विक्स एडिटर जो है बहुत फास्ट है, तो इसलिए मैं विक्स एडिटर पे जाता हूँ। तो यहाँ पर से आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन सा टेम्पलेट अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, मतलब आपके वेबसाइट का फ्रंट पेज जो होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा आप लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, एडिट पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, टाइम थोड़ा लगता है, हो जाएगा बहुत ही जल्दी, देखते हैं कितनी जल्दी होता है। हो गया। तो वैसे आप देख सकते हो, इसको आप हटा के यहाँ पर रख सकते हो, मान लीजिए मुझे यहाँ पर रखना है, इसको छोटा करना है और इसको ऊपर ऐसे ऐसे ऐड करना है। ये अब थोड़ा छोटा हो गया। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको भी आप एडिट कर सकते हो, मान लो मुझे इस टेक्स्ट को एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर से जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हो दे दो। और उसके बाद यहाँ से आप जो है इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, कोई भी सेंटर में ला सकते हो ऐसे करके। तो और यहाँ पर से चूज कर सकते हो, इफेक्ट भी ले सकते हो, तो इफेक्ट्स में जो है आपको ऐसा मिलेगा, किस टाइप के आप लेना चाहते हो। मैं इसको पूरा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर से मैं ये स्टाइल जो है वो ले लेता हूँ। उसके बाद कट कर देते हैं और इसको जो है थोड़ा
ऊपर दे देते हो, आप कहीं भी रख सकते हो और बहुत सारे ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ इसको भी एडिट कर सकते हो सेम वे में जैसे मैंने बताया। मैं पर से इसको ऐसे करके एडिट कर सकते हो टेक्स्ट, और यहाँ पर से भी एडिट कर सकते हो, इस सबको नीचे ला सकते हो, इन सबको ऐसे। तो ऐसे करके आप बैकग्राउंड कोई भी चूज कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो, प्ले करके दिखाता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा। वीडियो बैकग्राउंड भी जो है आप रख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फीचर इसका। उसके बाद सेटिंग भी कर सकते हो वीडियो को, सेटिंग उतना नहीं लगता फिर भी अगर आप करना चाहते हो। देखो यहाँ पर डार्क है तो मैंने लाइटिंग कर दिया, यहाँ पर से ये जो है सेटिंग हो रहा है, हो गया। कलर की ऑपेसिटी मैं बढ़ा देता हूँ, ज्यादा हो तो अब कट कर देते हैं। अब प्ले करके मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा ये क्लीन नहीं है, तो यहाँ पर से आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। देखो ये क्लीन हो गया, प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा बना है आपका। उसके बाद आप ऐड कर सकते हो कुछ भी, अगर आपको ऐड करना है तो मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे जो है एक बटन क्रिएट करना है, एक बटन मैंने क्रिएट किया है, ये देखो बटन है, इसको एडिट कर सकते हो चेंज टेक्स्ट करके। सब्सक्राइब दे दिया, और उसके बाद ये चीज इम्पोर्टेंट है, अगर आपका वेबसाइट भी है और अगर आपका यूट्यूब चैनल भी, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब का जो है टेक्स्ट डाल दो, उसके बाद जो है लिंक वो दे दो। लिंक कैसे दोगे, सब्सक्राइब का लिंक क्रिएट करो और लिंक क्रिएट करने के बाद यहाँ पर डाल दो, तो जब भी कोई सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा आपके वेबसाइट पे आके डायरेक्ट जो है यूट्यूब पे आ जाएगा, और वहां पर से जो है वो आदमी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है यहाँ पर से क्लिक करके। और यहाँ पर से आप जो है ऐप मार्केट में जाके बहुत सारे प्लगइन जो है वो डाल सकते हो अपने वेबसाइट में, तो उसके लिए आपको बस ये सब जो है एडिट करना पड़ेगा अपने वेबसाइट में। तो इसमें जो है ये फ्री में मिलता है, और प्रीमियम में भी है, शायद से फ्री में आपको ट्रायल मिले, या हो सकता है आपको फ्री में कुछ ऐसे चीजें मिले, लेकिन प्रीमियम में आपको उससे भी ज्यादा अच्छे फीचर जो है वो मिल सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको ओपन करके भी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाई देता हूँ चलो। और यहाँ पर से जो है आप म्यूजिक ऐड करके अपने व्यूअर्स को सुना सकते हो अपना म्यूजिक, तो इससे जो है आपको बहुत अच्छा फीचर्स मिल जाता है। अगर आपको मान लो डाउनलोड जैसे वेबसाइट होते हैं सॉन्ग डाउनलोड के, वीडियो डाउनलोड के, वैसा बनाना है तो आप इससे भी काम जो है वो कर सकते हो। तो उसके बाद माई अपलोड पे अगर आप जाओगे, ये तो बात का फीचर से मतलब आप कुछ भी अपलोड करोगे तो यहाँ पर जो है वो शो करेगा, और ये ब्लॉक का ऑप्शन ये कुछ उतना काम का नहीं है। और यहाँ पर से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो, लाइक मैं 200 कर देता हूँ तो ये छोटा हो गया, सॉरी ये हुआ। तो यहाँ पर से आप इसको 200 कर सकते हो, तो देख सकते हो ये छोटा हो गया है। और ऐसे करके आप म्यूजिक को मैनेज कर सकते हो। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो ऐसे ही जो है टेक्स्ट को और बटन को और कुछ भी प्लगइन्स जो है अपनी वेबसाइट में लगाना है तो वो सब लगा के जो है आप जो है ये कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका वेबसाइट जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपका अगर बिजनेस है या आप जैसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी से, उसको अच्छे से बनाइए। मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ से क्या करना है, टेक्स्ट कैसे एडिट करना है, या बटन और प्लगइन्स जो भी हो आप लगाना चाहते हो, वीडियो इंटरफेस अगर आपको लेना चाहते हो तो वो भी कैसे लगा सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने कस्टमर को दिखाइए, अपने व्यूअर्स जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको दिखाइए आपकी क्रिएटिविटी, और उनको दिखाइए कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट अच्छा है, तो वो लोग जो है आपके वेबसाइट में आना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपका वेबसाइट जो है ग्रो करेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, इससे आपको बिजनेस का भी हेल्प होगा
तो इसीलिए वेबसाइट बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन हो चुका है, तो इसीलिए वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बिजनेस है तो आप जरूर से वेबसाइट बनाइए। अगर आपको पेड सर्विस में वेबसाइट बनाना अच्छा नहीं लगता या आप पे जो है वो करना नहीं चाहते, तो आप फ्री में बनाइए, तो इससे जो है आपको मदद मिल जाएगी। और यहाँ पर से अगर आप नीचे जाओगे तो आपको नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब छोटा वेबसाइट नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पर से आप बहुत कुछ जो है एडिट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई भी सब्सक्राइब करेगा तो उसका ईमेल एड्रेस से आपको सब्सक्राइब कर सकता है, तो क्या होगा उसका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो आप कभी भी जो भी कुछ करोगे अपने वेबसाइट में या कुछ अपडेट लाओगे अपने वेबसाइट में तो उसको ईमेल कर सकते हो, और वो कस्टमर जो है आपका जान जाएगा कि हाँ इस वेबसाइट में अब जो है और भी अच्छे अच्छे फीचर जो आने शुरू हो गए, तो आपको वो कॉन्टेक्ट करेगा या तो फिर वो आपके वेबसाइट में फिर से आके चेक करेगा और देखेगा कि हाँ आपका वेबसाइट जो है अपडेट हुआ है। तो इससे जो है आपके और भी ज्यादा जो है कस्टमर जो है और व्यूअर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो जरूर से बनाइए अगर आपका बिजनेस है, या अगर आपका यूट्यूब चैनल है, या अगर आपका कोई भी कैसा भी कोई काम है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो ऑनलाइन तो जरूर से वेबसाइट बनाइए, और फ्री में है तो आप आसानी से बना भी सकते हो। आपको पता चल गया कैसे बनाना है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको पहले भी बताया, जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक ले लीजिए और जाने और वीक्स में जाके वेबसाइट जो है वो बना लीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिल जाती है डेली एक न्यू वीडियो, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ।